नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन। अब आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का अभी अभी पेपर खत्म हुआ है। हम हमारे दोस्तों से वार्तालाप करेंगे, क्या प्रश्न पूछे गए और क्या क्या पूछे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 100 किया अटेम्प्ट। 100, आपने कितने किया? मैंने 67। 67, आपने कितने किया? 91। 91, आपके एग्जाम? 82। 82 किए गए। आपके था एग्जाम कितने किया? 70 किया गया। जीके में क्या क्या करंट जीके पूछा गया था क्या आज? हाँ, पूछा गया था। क्या सवाल पूछा करंट के बारे में? करंट के खेलों से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित। क्या प्रश्न था, कोई याद है? खेलों से संबंधित था। जो जंप बॉल है वो किस में आती है? जंप बॉल से संबंधित है। और पॉलिटिकल साइंस में से? पॉलिटिकल साइंस से अनुच्छेद थे, अल्पसंख्यक से पूछा गया था अनुच्छेद 24। और कोई एक आया था, हुगली नदी किस किनारे? और वित्त आयोग का पूछा गया था, और पूछा गया था यानी कि सराव जोग प्रताप कहाँ, किस नदी पर है, यानी जो जलप्रपात है, जो गया गर्भपात किस नदी पर? हाँ, जलप्रपात किस नदी पर है? एक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्ञाता वो पूछा गया था। और हिस्ट्री से पूछा गया था जाटो का प्लेटो सूरजमल। आपने आपका एग्जाम नहीं, अभी थर्ड शिफ्ट के पेपर है। और कोई प्रश्न है? और प्रश्न तो कुछ याद नहीं है। मैथ रीजनिंग से आंकड़ों के आते हैं, ये ग्राफ के आए थे, 3-4 सवाल ग्राफ से संबंधित। और एग्जाम हो गया, कितना किए? लगभग 110 है। 110 किए, 100। आपने आपका भी एग्जाम तक कितने किए? 90 सवाल किए। 90 सवाल किए जीके। इसमें जो रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन में से सवाल पूछे गए? हाँ, पूछे दो तीन। और कैलेंडर में से? कैलेंडर में से नहीं पूछे, एक भी नहीं। नहीं, और घड़ी में से? घड़ी नहीं थे। दर्पण और जल प्रतिबिंब में से दो क्वेश्चन, दर्पण और प्रतिबिंब पूछे जा रहे हैं। और इसमें और आकृति में से? आकृति काउंटिंग, आकृति एक समकोण की, एक वर्ग की और एक त्रिभुज की। आपका एग्जाम था? विश्व का सबसे अधिक तापमान किस देश का है? अच्छा, ये सवाल पूछा गया। सेकंड शिफ्ट कितने किया आपने? मैंने किए थे 74। आपने? अभी एग्जाम, अभी थर्ड शिफ्ट में। मैथ बहुत सरल आ रही है, मैथ और रीजनिंग बहुत सरल आ रही है। जीके ठीक ठाक है, साइंस ठीक ठाक है। साइंस में क्या प्रश्न? साइंस में तो लगभग कितने सवाल आ रहे हैं? कितने सवाल आ रहे हैं साइंस के? करीबन 20 है क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, और करंट जीके के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। और आपका एग्जाम हो गया, कितने किया आपने? 80 क्वेश्चन। रीजनिंग में जो दर्पण वगैरह आ रहे हैं, और इसमें सीरीज आई क्या? सीरीज आई है, सीरीज तो कम से कम 5 से 7 दी, 5 से 7 सीरीज। सीरीज 5 से 7। खेल के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया? नेट जाली, किस खेल में नेट की जाली लगाई जाती है? नेट होती है कौन से खेल में? बैडमिंटन से पूछा जाता है, बैडमिंटन में नेट होती है ना, नेट और बैडमिंटन में से? किस खेल में नेट? जंप बॉल किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न? नेट किस खेल से संबंधित है? संविधान में कितने भाग है वो पूछे? संविधान के अंदर कितने भाग है? इधर आ जाओ आप, सभी का नंबर आ जाओ। वर्तमान का पूछा गया था, 25 भाग है वर्तमान में। भाग के बारे, संविधान के भाग के बारे में पूछा गया था। ये पूछा गया था संघ सूची कितनी है 97। संघ सूची के बारे में पूछा गया, कितने विषय? संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है, मतलब विषय कितने? और कोई जीके का हिस्ट्री में से क्या सवाल था? हिस्ट्री में से वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? सूरजमल जाट उसका आया था। और हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन? 4 से 5 और 2 मेंसुरेशन के दे 3 से 4। और प्रॉफिट लॉस से सवाल आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं या हार्ड आ रहे हैं? नॉर्मल पूछा गया था, कुछ नहीं। सबसे बड़ी पर्वतमाला के बारे में क्या पूछा? सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे बड़ी लंबी या बड़ी पर्वतमाला? लंबी पर्वतमाला। और कोई मुद्रा पूछी गई? मुद्राओं के बारे में कोई प्रश्न? कोई राजधानी वगैरह? राजधानी भी नहीं है, नहीं राजधानी नहीं पूछा गया। ओलंपिक खेल कब खेला जाएगा? 2020 के अंदर। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, ये सवाल पूछा गया था। और मेजबान देश कौन सा है, ये पूछा गया। और कोई प्रश्न किसके? और क्या पूछा? और इसमें जो आकृति, याद करने का टाइम ही नहीं मिलता ना,
मेन बात यही है, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट पूरा हो जाता है। हाँ क्वेश्चन रहते ही हैं, क्वेश्चन रहते ही हैं, पूरे अटेंड नहीं होते, पूरे अटेंड नहीं होते। चक्रवर्ती ब्याज के दो क्वेश्चन थे, साधारण ब्याज के एक क्वेश्चन था, लाभ आने के दो तीन थे, और जो क्षेत्रमिति के प्रश्न थे क्या, क्षेत्रमिति से कितने थे, आयु से संबंधित के बारे में पूछा, आयु से संबंधित, हाँ बिल्कुल, आयु के दो तीन क्वेश्चन थे। आप इधर आइए, पास में आइए, आइए पास में आइए, बात कीजिए। आप सभी देखेंगे, आप भी देखेंगे। रेशियो के बारे में पूछा गया, रेशियो के बारे में नॉर्मल पूछ रहे हैं या फिर नॉर्मल पूछ रहे हैं, केवल रेशियो दे दिया, उसके बाद आयु दे दी, योग टोटल दे दिया, फिर पूछा गया कि इसकी पहले की आयु कितनी हुई, दूसरे की आयु कितनी, इतने पूछा गया। और साझे पार्टनरशिप में से कोई प्रश्न पूछा, साझा में से साझा पूछा गया था, दो तीन प्रश्न पूछे गए, और थीटा में पूछा गया, बहुत त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमिति के थीटा के प्रश्न भी पूछे गए, एक दो प्रश्न पूछे, एक दो प्रश्न पूछे गए थे। और कोई क्वेश्चन से, और आरेख वाला, ग्राफ वाला नहीं, उसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्राफ से संबंधित दो तीन प्रश्न पूछे गए। और कोई जीके में से प्रश्न, साइंस में से कोई, दक्षिणी पूर्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी, वैसा पूछा, दक्षिणी पूर्व में से सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये पूछा गया। साइंस में से कोई प्रश्न पूछा गया था, साइंस में से काफी पूछे गए, 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड डिग्रेडेशन, लेकिन ऐसे नहीं पूछे गए, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, थोड़ा फेर के पूछे गए थे, साइंस में जो भी पूछे गए थे वो सभी फेर के पूछे गए थे, लगते थे ऐसे जीके का, लेकिन जीके के नहीं थे, वो साइंस के थे। आपका एग्जाम था अभी, अभी थर्ड शिफ्ट का है, आपका हो गया एग्जाम अभी। चलिए दोस्तों, अभी जो सेकंड शिफ्ट का, अभी अभी हमारे दोस्तों द्वारा जो सवाल बताए गए हैं वो हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल है, और दोस्तों आपको न्यूज़ को भी शाम को पत्रिका न्यूज पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और थर्ड शिफ्ट का हम जल्दी हम वार्तालाप करके आप तक पेपर पहुँचाएंगे। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।